भारतीय इतिहास भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन मुहिम शुरू की गई। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। ये नारा डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई में महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो नारे के साथ शुरू की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की गई थी। दरअसल 1942 ईस्वी में जापानी भारतीय सीमा पर आ रहे थे, जिसके कारण अंग्रेज दबाव में थे और उन्होंने क्रिप्स मिशन के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम 1935 में बदलाव किया, जिसे भारतीय नेताओं ने ठुकरा दिया और क्रिप्स मिशन विफल हो गया। क्रिप्स मिशन की विफलता ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया, जिसके बाद भारत में ब्रिटिशों वापसी के लिए 29 अप्रैल से 1 मई 1942 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्य समिति के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इलाहाबाद में हुई इस बैठक में महात्मा गांधी जी नहीं पहुंचे। इसके बाद 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें यह संकल्प लिया गया कि इस अहिंसक जन आंदोलन की कमान केवल महात्मा गांधी जी के हाथ में होगी। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा और 7 से 8 अगस्त 1942 ईस्वी तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को मंजूर किया। इस मंजूरी के बाद महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देकर भारत की आज़ादी का एक नया पथ बनाया। इसके एक दिन बाद ही 9 अगस्त 1942 में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद पूरे भारत में राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल और आंदोलन होने लगे, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरे देश की एकजुटता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी और अन्य लोगों को छोड़ दिया। अपनी रिहाई के बाद 1944 ईस्वी में गांधी जी ने आंदोलन को गति देने के लिए 21 दिनों का उपवास रखा, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता की मांग को नज़रअंदाज नहीं किया और अंत में यह आंदोलन आज़ादी की तरफ चला गया। अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हो गया।